So in the next part, we are starting with the anatomy of the brain. So in the last video, we have discussed about the basic of the nervous system. So in this video, I'm starting with the anatomy of the brain. So brain is composed of the three main components, cerebrum, cerebellum and brainstem. जो मैंने last lecture में discuss किया था, जो बेटा cerebrum होता है, cerebrum ये आपके सबसे largest part है brain का. Brain का जो सबसे largest part है वो क्या आपका cerebrum. जो किसका कंपोज होता है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर का. ये हमारे मैक्सिमम फंक्शंस सेरिब्रम करता है, जैसे कि आपके टच, विजन, हेयरिंग, स्पीच, रीजनिंग, इमोशन, लर्निंग, मूवमेंट कंट्रोल, ये सारे हमारे कौन करता है बेटा, सेरिब्रम करता है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज द सेरिबेलम. ये देखिए आपके पास सेरिबेलम दिखाई दे रहा है, सेरिबेलम है, ये सारा क्या है, सेरिब्रम है. ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, अगर आप इसको डायग्राम को ध्यान से देखें जूम करके, तो बेटा ये आपका जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सेरिब्रम है, ये वाला सेरिबेलम है, और ये आपको दिखाई दे रहा है ब्रेन स्टेम. तो तीन ही पार्ट है आपके ब्रेन के. सेरिबेलम कहाँ लोकेट करता है, अंडर द सेरिब्रम. देखिए सेरिबेलम कहाँ लोकेट करता है, अंडर द सेरिब्रम. इसका फंक्शन क्या है, ये मसल की बेसिकली मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, और साथ में बॉडी का जो पोस्चर है, जो बॉडी का बैलेंस है, वो उसको क्या करता है, ये मेंटेन करके चलता है. और जो ब्रेन स्टेम है, ये देखिए ये जो ब्रेन स्टेम आपको दिखाई दे रही है, ब्रेन स्टेम बेटा आपकी इंक्लूड करती है मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला. ये क्या करता है, कनेक्शन सेंटर है ये जो आपका ब्रेन स्टेम है, जो सेरिब्रम और सेरिबेलम को हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ क्या करता है, ये बेसिकली जोड़ता है. तो ये बहुत सारे फंक्शंस करता है, जैसे कि ब्रीदिंग कंट्रोल रेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को कंट्रोल करता है, कफिंग को कंट्रोल करता है, वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है, स्वेलिंग को कंट्रोल करता है. ठीक है, अब जितने 10 ऑफ द 12 क्रेनियल नर्व्स आर ओरिजिनेट इन द ब्रेन स्टेम. आपके जो 10 जो आपके क्रेनियल नर्व्स है, वो आपके पास ब्रेन स्टेम से इवॉल्व होते हैं. तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ब्रेन की एनाटॉमी समझा दें. ब्रेन का जो मैक्सिमम जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा, ये सारा आपका सेरिब्रम. ये क्या आपका बेसिकली सेरिब्रम. तो सेरिब्रम आपका लार्जेस्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, सेरिब्रम के दो पार्ट है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, और ये जो आपके पार्ट है सेरिबेलम, एंड द लास्ट इज ब्रेन स्टेम. अब देखिए, तो अगर हम सरफेस देखें, इसकी सेरिब्रम की सरफेस देखें, तो सेरिब्रम की जो सरफेस है, आउटर सरफेस है, फोल्डेड दिखाई दे रही है. देखिए आपको सेरिब्रम की सरफेस कैसी दिखाई दे रही है, फोल्डेड दिखाई दे रही है. ठीक है, इसको ये जो सरफेस है सेरिब्रम की, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स. क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्टेक्स. देखते हैं कॉर्टेक्स बाहर से क्या होती है, ग्रे होती है, तो अंदर से क्या होती है, वाइट होती है. द कॉर्टेक्स कंटेन्स 70% ऑफ द 100 बिलियन नर्व सेल. तो मैक्सिमम 70% कॉर्टेक्स में, 70% ऑफ द जो नर्व सेल आपके पास कॉर्टेक्स में पाई जाती है. ठीक है, द नर्व सेल सेल बॉडी कलर, द नर्व सेल की वजह से जो आपकी बॉडी, जो कॉर्टेक्स का कलर क्या होता है, ग्रे कलर होता है, जिसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपके पास नर्व सेल पाए जाते हैं बेटा कॉर्टेक्स में, एंड ड्यू टू दिस द कॉर्टेक्स का जो आउटर कलर क्या होता है बेटा, ग्रे कलर है. ठीक है, और जो कॉर्टेक्स का अंदर वाला, अगर कॉर्टेक्स के नीचे आएंगे तो आपको कलर क्या मिलेगा, आपको व्हाइट मैटर. तो ये आउटर पार्ट उसका ग्रे मैटर बोलते हैं, इधर पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, व्हाइट मैटर. ठीक है, अब बेटा व्हाइट मैटर क्या होता है, इसमें आपके पास एक्सॉन्स होंगे, मेनली क्या होते हैं एक्सॉन्स, व्हिच मेक द व्हाइट पार्ट. ठीक है, द फोल्डिंग ऑफ द कॉर्टेक्स इंक्रीज द ब्रेन सरफेस एरिया, अलाउइंग मोर एंड मोर न्यूरॉन्स टू फिट इन स्कल एंड एनेबलिंग द हाई फंक्शन. तो बेटा ये जो कॉर्टेक्स है, ये फोल्ड करता है अपने आप को बाहर से, क्या करता है, फोल्ड. अब जब फोल्डिंग करेंगे ना, तो हमारा सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है. जब हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, तो मोर मोर न्यूरॉन्स को हम स्पेस दे सकते हैं. ठीक है, अब ये फोल्ड देखिए, हर एक फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, जैसे ये जो देखिए ये फोल्ड हो रहा है, देखिए ये फोल्ड है, हर एक फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, गायरस. क्या बोलते हैं फोल्ड को, गायरस बोलते हैं. अब हर एक फोल्ड के अंदर का जो स्पेस होता है, ये देखिए ये इसको बोलते हैं सल्कस. अगर आप इसको जूम करके दिखाएंगे कैमरा मैन हमारे, तो ये जो गायरस है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फोल्डिंग है, और जो स्पेस है, दिस इज नेम्ड एज सल्कस. तो दिस इज सल्कस. तो ये बेसिकली दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दैट सेरिब्रम पार्ट. क्लियर, सबसे पहले आउटर पार्ट पे फ्यूजन करते हैं, इसकी आउटर पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स है, बाहर से ग्रे है, क्योंकि सारे जो आपके पास नर्व सेल पाए जाते हैं, अंदर वाला पार्ट वाइट है. तो ये फोल्डेड फॉर्म है, फोल्डेड फॉर्म में गायरस बोलते हैं, जो स्पेस होती है इसको बोलते हैं सल्कस. क्लियर, नेक्स्ट पार्ट.
पार्ट्स ऑफ द ब्रेन अभी मैंने बात की, सेरिब्रम है, लार्जेस्ट है, डिवाइड इनटू टू हेमिस्फीयर, जो कि हमारी सारी वॉलंटरी एक्टिविटीज करता है। वॉलंटरी का मतलब जो हमारी कंट्रोल में होती है, दो तरह की एक्टिविटीज होती है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी जो आपकी कंट्रोल में है, इनवॉलंटरी जो आपकी कंट्रोल में नहीं, जो बॉडी खुद कर रही है। कॉर्टेक्स आउटर लेयर होती है, जिसमें हमारे पास सेल्स होते हैं जो कि विच फाइबर दैट सेंड अ मैसेज टू अदर ब्रेन एरिया। द फोल्ड्स और वीगली विजिबल लाइंस मेक अप द मोर इंटेलिजेंट देन द एनिमल दैट हैव स्मूथ कॉर्टेक्स। तो ये बोला जाता है जिसकी कॉर्टेक्स में फोल्डिंग ज्यादा हो, ज्यादा इंटेलिजेंट होता है एज कम्पेयर टू द लेस फोल्डिंग कॉर्टेक्स ह्यूमन। अब कॉर्टेक्स आपके पास देखेंगे तो चार पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। फ्रंटल लोब, ये बेसिकली पर्सनैलिटी, इमोशंस, हाई थिंकिंग को करता है। टेम्पोरल लोब हेयरिंग के लिए हेल्प करता है। पेरिएंटल लोब सेंसेस, अटेंशन, लैंग्वेज करता है। ऑक्यूपेटल लोब जो आई साइट को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ बेटा। तो ये देखिए, जैसे ये आप देखिए, ये देखिए, ये आपका फ्रंटल लोब आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, फ्रंटल लोब आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, टेम्पोरल लोब आ गया। जो सेरिब्रम है वो आपके चार पार्ट में डिवाइड किया मैंने। ये फ्रंटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है, ये पेरिएंटल लोब है, और ये क्या, ऑक्सीपेटल लोब। तो बेटा ये चार लोब जो होते हैं आपके सेरिब्रम में, क्योंकि इनके अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे देखिए, ये फ्रंटल आ गया, टेम्पोरल, पेरिएंटल एंड ऑक्सीपेटल। अब बेसिकली क्या है, नेक्स्ट पार्ट आपका आता है, जैसे इसके बाद हमारे पास आता है थैलमस। थैलमस क्या करता है, ले सेंसरी मोटर इन्फॉर्मेशन टू द कॉर्टेक्स। तो बेटा ये जो सेंसरी मोटर इन्फॉर्मेशन, ये कॉर्टेक्स तक लेके जाता है, ले करता है, ठीक है, अलर्टनेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, मोशन कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, स्पेशल नेविगेशन, जो हमारी पूरी बॉडी का पोस्चर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम को पहले ही बताया था मैंने, सेरिबेलम और सेरिबेलम को बॉडी के जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ क्या करता है, ये अटैच करता है। तो ब्रेन स्टेम में हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट इज ऑन दैट कंट्रोल द ब्रीदिंग, मेडुला एब्लोंगेटा जो रेगुलेट करता है हार्ट बीट को, सम अदर बॉडी रिफ्लेक्सेस लाइक वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड स्वेलिंग, और बेसिकली लिम्बिंग सिस्टम होता है विच फाउंड अंडर द कॉर्टेक्स प्रोसेस इमोशंस, ड्राइव्स इट कंटेन द ब्रेन, दैट ब्रेन रिवार्ड्स इट विच रिलीजेस द डोपामिन। अब बेटा लिम्बिक सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। सबसे पहले क्या आता है, ये फर्स्ट पार्ट है जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। सेकंड पार्ट हिप्पोकैम्पस मेमोरी इंडेक्सर है, इट सेंड मेमोरी फॉर स्टोरेज, ये मेमोरी को स्टोरेज के लिए भेजता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या आते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, इट सीक्रेट द हार्मोन दैट कंट्रोल द डिफरेंट सेल एंड द ऑर्गन्स। हार्मोन्स सीक्रेट करता है जो कि हमारे डिफरेंट सेल ऑर्गन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कंट्रोल करता है बॉडी ग्रोथ को, टेम्परेचर को, प्रेगनेंसी को और चाइल्ड बर्थ को ग्रोथ करता है। इसके बाद आता है पीनियल ग्लैंड जो कि स्लीपिंग को हमारे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्लियर। इसके बाद बेटा दीज आर द, ये बेटा आपके पास देखेंगे सेरिबेलम है, ये आपके पास क्या है, पोन्स है, ये मेडुला है, एंड द लास्ट पार्ट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द, बेटा इसके बाद हमारे पास आते हैं ब्रेन सेल्स। अब देखिए ब्रेन सेल्स, हमने पहले भी बताया कि ब्रेन हमारे पास दो तरह के सेल्स के बने हुए हैं, नर्व सेल्स के बने हैं एंड ग्लियल सेल के बने हुए हैं, ठीक है। नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। अब नर्व सेल्स के क्या है बेटा, देयर आर मेनी साइज एंड शेप ऑफ न्यूरॉन्स बट कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी, मेनली किसके बने, सेल बॉडी के बने, एक्सॉन्स के बने, डेंड्राइट्स के बने। न्यूरॉन जो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है ट्रांसफर करते हैं, न्यूरॉन्स हैज मेनी आर्म्स कॉल्ड डेंड्राइट व्हिच एक्ट लाइक अ एंटीना। अब न्यूरॉन्स के बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं जो कि एंटीना जैसे एक्ट करते हैं, जो कि मैसेज को पिक करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। द मैसेज फिर क्या होते हैं, पास होते हैं सेल बॉडी में, सेल बॉडी से फिर पास होते हैं दूसरे न्यूरॉन्स में, तो ऐसे सिग्नल आपका ब्रेन तक चला जाता है। जैसे देखिए, जैसे ये देखिए इनकमिंग मैसेज आ रहा है, देखिए एक्सॉन में जा रहा है, एक्सॉन से फिर ये सिनैप्सिस से फिर दूसरे न्यूरॉन्स, ऐसे ही आपके सिग्नल ये ट्रांसफर होता रहता है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट सेल आता है ब्रेन का, जैसे ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स क्या होते हैं, दीज आर सेल्स ऑफ द ब्रेन दैट प्रोवाइड न्यूरॉन्स विद नरिशमेंट, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब जो ग्लियल सेल्स होते हैं बेटा, ये आपके न्यूरॉन्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देयर अबाउट 10 to 50 times more ग्लियल सेल्स देन द नर्व सेल एंड आर
मोस्ट कॉमन सेल इन्वॉल्व इन द ब्रेन ट्यूमर, तो बेटा ये 10-50 टाइम ज़्यादा होते हैं आपके न्यूरॉन से, तो ये बेसिकली आपके मोस्ट कॉमन टाइम इन्वॉल्व किसमें होते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपके पास एस्ट्रोसाइट्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू द न्यूरॉन्स, होल न्यूरॉन इन द प्लेस डाइजेस्ट पार्ट ऑफ द डेड न्यूरॉन्स एंड एज वेल एज ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ये आपके न्यूरॉन्स के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो डेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड क्या होते हैं आपके पास, ओलिगो ड्रेंडोग्लिया, जो कि सेल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन करते हैं, जैसे माइलिन प्रोवाइड करते हैं। ये जो सेकेंड आपका जो पार्ट है ये आपके माइलिन की फॉर्मेशन न्यूरॉन्स में करने के लिए हेल्प करते हैं। थर्ड आपका सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये सिक्रीट करते हैं। लास्ट आपका माइक्रोग्लियल्स जो डाइजेस्ट करते हैं डेड न्यूरॉन्स को और पैथोजेंस को। तो ये जो ग्लायल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन्स को नरिशमेंट, डेड न्यूरॉन की डाइजेशन, न्यूरॉन को सपोर्ट, फिर ये न्यूरॉन की सरफेस पे जो मेलानिन शीट बनती है वो भी ये इसको बनाने में ये क्या हेल्प करते हैं, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इन द नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। थैंक यू।